मैं पूनम पूनम शेन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के पराठे, जो कि हम बनाएंगे दो तरीके से और उनको हम बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को देखिएगा, बहुत ही यमी लगेगी। इसके परतें देखिए, बहुत ही यमी पराठे बनकर रेडी होते हैं। इन्हें ब्रेकफास्ट में खाइए या लंच में या डिनर में, बहुत ही यमी लगेंगे। बच्चों से बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो फटाफट इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मेथी ली थी और उसको अच्छे से वॉश किया है 3-4 बार पानी से, और इसकी जो हमारी लीव्स हैं इनको तोड़ लिया है। तो इसको हमें बारीक बारीक काट लेना है। नाइफ की हेल्प से आप इसको काट लीजिएगा इस तरीके से करके। तो मैं इन सभी को काट के रेडी कर लेती हूँ। मेथी को देखिए अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हम आटा गूंथने की तैयारी करते हैं। जो मेथी बड़ी हो थोड़ा सा हाथ से भी आप उसको तोड़ सकते हैं। ये 250 ग्राम आटा हमने ले लिया है, यानी कि 1 कप आटा हमने ले लिया है। मेजरमेंट्स के लिए आप कोई कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। इसमें 2 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है उसको ग्रेट कर लिया है, अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, इसको मिक्स कर देंगे। 1 स्पून ये छोटी वाली है लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून अजवाइन को हाथ में इस तरह से लेके क्रश कर देंगे अच्छे से। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इसको भी मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच तेल डाल देते हैं, इससे हल्का सा मोयन इसमें आ जाएगा। 1 स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अब इसमें जो हमने कट करके मेथी रेडी की है उसको मिला देंगे। चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिली काटकर 1 या 2 मिक्स कर सकते हैं। मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें ग्रीन चिली का यूज नहीं करूंगी। अब इन्हें मिक्स करना है बिना पानी डाले, अभी इसे हाथों से ही हमें मिक्स करना है, जिससे कि सभी इंग्रेडिएंट इसके अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। तो ना ही बहुत ज्यादा हार्ड हमें इसे गूंथना है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट। तो हाथों को इस तरह से करें और थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा गूंथेंगे। इससे अच्छा क्या होगा कि जो हमारा आटा होगा ज्यादा गीला नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट गूंथकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा आटा गूंथ गया है। इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे गूंथ गूंथ के। थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। आटे को गूंथ के तैयार कर लिया है। और देखिए अगर आप चाहें इसमें तो थोड़ा सा जो लहसुन होता है उसको क्रश करके मिला सकते हैं, ओनियन को भी मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। अब इस तरीके से आटे को हम थोड़ा सा लेंगे अपने हाथ में, जैसे कि लोई हम बनाकर रेडी करते हैं, और इस तरीके से हाथों के बीच में रखकर इसे गोल कर लेंगे और थोड़ा सा चपटा करेंगे। इसी तरीके से हम लोई बनाकर रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से पराठे बनाना बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 1 लोई में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे इस तरीके से, और इसको 3 से 4 इंच का हमें बेल लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे इस तरीके से, और इसको फोल्ड कर देंगे। हाफ पार्ट में तेल लगाइए, दूसरे पार्ट में अपने आप ही लग जाएगा। और बस ये देखिए ट्रायंगल शेप में बन गया है, इसको हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा हम इसमें लगाएंगे इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दीजिए। और बस हाथ के हेल्प से आप इस तरह से जो आपकी फिंगर्स हैं इस तरह से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको बेलने में आसानी होगी और शेप बहुत अच्छा आएगा। इसको इस तरीके से हमें बेल लेना है। ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको साइड में रखते हैं। अब हम स्क्वायर शेप में पराठा बिल्कुल रेडी करेंगे। ये दूसरी लोई लेंगे, इसमें भी सूखा आटा लगाएंगे, और इसको भी हमें बेल लेना है इस तरीके से। चार से पांच इंच का इसको बिल्कुल रेडी करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगाएंगे इस तरीके से, फैला लेंगे स्पून की हेल्प से। इसको हमें स्क्वायर शेप देना है, तो इस तरीके से इसको हाफ फोल्ड करिएगा। थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगाइएगा इस तरीके से,
और फिर इसको भी हमें इसके ऊपर इस तरीके से टर्न कर देना है। फिर एक हल्का सा घी यहाँ पे लगाइए, घी या तेल किसी का भी यूज आप कर सकते हैं, और इस तरीके से हमें इसको स्क्वायर शेप दे देना है। तो ये देखिए स्क्वायर लोई हमारी बनकर रेडी हो गई है, अब इसको भी हम बेल लेंगे। ये देखिए हमारा स्क्वायर पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने जो इसमें तेल लगाया है उससे इसकी परतें बहुत अच्छी खुल के आएंगी। आप चाहें तो इसको प्लेन भी बेल सकते हैं जैसे कि हमने गोल बेला था। तो चलते हैं इनको सेक कर रेडी कर लेते हैं। तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है और ये देखिए तवा गर्म भी हो गया है हमारा। तो हम इसे पराठा को रख देंगे इस तरीके से। पराठे पे हल्के हल्के बबल आना स्टार्ट हो गए हैं तो इसको हम पलट लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखिएगा। इसके ऊपर घी लगा देंगे। घी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा लगा सकते हैं। साइड में थोड़ा सा घी या तेल आप इस तरीके से डाल दीजिए। इसको टर्न कर लेते हैं। इस साइड भी हमें सेम प्रोसेस करनी है। देखिए कितनी अच्छी चित्तियां आ गई हैं। तो इधर भी हमें घी लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, पराठा हमारा इक्वल सेकर रेडी होगा और बहुत ही क्रंची भी रहेगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेथी में क्या खासियत होती है, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। और अगर आपको मेथी का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा लगता है तो आप मेथी को थोड़ा सा बॉईल करके और उसको हाथ से ही मैश करके आटे में मिक्स करके ऐसे ही बना सकते हैं पराठों को। एक पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। दूसरा पराठा भी सेम प्रोसेस से हम सेक कर रेडी करेंगे। ये हमारे मेथी के पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। और देखिए जो हमने तेल इसमें बीच में लगाया था उसकी वजह से इसकी परतें देखिए कितनी अच्छी खुल रही हैं। बहुत ही यमी लगते हैं। आप इसको लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं या ब्रेकफास्ट में बनाए, हेल्दी भी हैं, बहुत ही यमी लगेंगे। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।